कथा नंबर 42, आरी का द्वारा मुनिराज का स्थितिकरण। यह कथा पिछली कथा 41 के आगे ही निरंतर बढ़ती गई है, ऐसा जानिए। कथा आगे बढ़ाते हुए और इस कथा को प्रारंभ करते हुए चलते हैं। जब भावदेव मुनिराज को विनय पूर्वक वन जंगल तक पहुंचाने गए, भावदेव बहुत समय तक घर नहीं आए, तब नाग वसु को ऐसा विचार आया कि कहीं मेरे पतिदेव ने मुनि दीक्षा तो धारण नहीं कर ली है। इस बात का पता लगाने पर उसे ज्ञात हुआ कि उन्होंने तो सचमुच ही मुनि दीक्षा धारण कर ली है, तथा आचार्य देव तो संघ सहित विहार भी कर गए हैं। जब पतिदेव ही दीक्षित हो गए हैं, तब मैं भी क्यों ना उनका ही पथ अंगीकार करूं। यह सोचकर नाग वसु ने भी अपना मन आरिका के व्रत लेने के लिए तैयार कर लिया। अंदर में कुछ उदासी तो आ ही गई थी, फिर भी वह घर में रहती हुई दिन रात द्वंद में पड़ी पड़ी यही विचार करती कि जब पतिदेव ने ही भोग के समय योग धारण कर लिया, संसार को ठुकरा कर सच्चे सुख का मार्ग ग्रहण कर लिया, तो मैं भी क्यों ना सच्चे सुख का ही मार्ग ग्रहण करूं। वह पुनः अपने भावों को टटोलती है कि वीतरागी मार्ग में तो कठिनाइयां बहुत आती हैं, मैं उपसर्ग परिशहों को कैसे सहूंगी, वन खंडों की सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि की बाधाओं को मेरा यह कोमल शरीर कैसे सहेगा। मैंने यह मार्ग कभी देखा ही नहीं, क्या पता मैं इसका निर्दोष पालन कर पाऊंगी या नहीं, इत्यादि। नाग वसु के भाव पुनः पलटते हैं। अरे गज कुमार, सुकुमाल एवं सुकौशल जी आदि तो मेरे से भी अधिक सुकोमल तन के धारी थे, बाह्य साधन सामग्री भी बहुत थी, फिर भी उन्होंने यह कुछ भी नहीं सोचा। बस जैसे वे अपने हित के मार्ग पर निकल पड़े थे, वैसे ही मुझे भी कुछ नहीं सोचना है। धर्म के आराधकों को तो आत्म शांति की धुन में कुछ खबर ही नहीं पड़ती कि बाहर क्या हो रहा है। मोक्ष सुख की भावना से ओतप्रोत नाग वसु ने भी पूज्य गणनी जी के पास जाकर नमस्कार करके आरी का व्रत प्रदान करने की प्रार्थना की। हे माता, मेरा चित्त अब संसार के दुखों से थक चुका है, मैंने धर्म से परांगमुख होकर नरक निगोद के अनंत दुख सहे हैं, अब मैं शांति चाहती हूँ। इसलिए हे माता, मुझे आत्म शांति को देने वाली दीक्षा देकर अपनी शरण में लीजिए। तभी पूज्य गणनी जी ने नाग वसु को पात्र जानकर आरिका के व्रत प्रदान किए। सम्यक दर्शन एवं देश व्रतों से सुशोभित नाग वसु आरिका जी भी खूब अध्ययन एवं ध्यान में रत होकर उग्र तप करने लगी। उन्होंने भी अपनी भूमिका के योग्य सर्वोत्कृष्ट दशा को अंगीकार कर लिया। उग्र तपों का आदर करने से आरिका जी की आत्म शांति तो वृद्धिंगत होती जा रही थी, परंतु तन हाड़ पिंजर हो गया था। तभी ज्ञान वैराग्य रस में पगी आरिका जी भी पूज्य गणनी जी एवं संघ के साथ अनेक नगरों तथा वन जंगलों में विहार करती हुई बहुत समय के बाद वर्धमानपुरी के निकटवर्ती उद्यान में आकर तिष्ठ रही थी। इधर श्री सुधर्माचारी भी संघ सहित पुनः उसी वर्धमान नगर के वन खंडों में पधारे। सर्व ही मुनिराज नगर के बाहर वन के एकांत स्थान में शुद्धात्मा के ध्यान में तल्लीन हो कायोत्सर्ग पूर्वक तप करने में संलग्न थे, परंतु भावदेव मुनिराज को अपनी नवविवाहिता पत्नी नाग वसु की याद तीव्रता से सताने लगी।
वे बार बार अपने को समझाते, परंतु राग की तीव्रता ने जोर मारा और पत्नी नागवसु की जानकारी करने हेतु वर्धमानपुरी को चल दिए। यद्यपि वे रास्ते भर मन ही मन अपने को अपने उपयोग को समझाते रहे कि अरे इस प्रकार के विचार करना मुझे योग्य नहीं है, अब मैंने जिन दीक्षा धारण कर ली है इसलिए मुझे सम्यक रत्नत्रय की ही भावना करना योग्य है। संसार की कारणभूत स्त्री के स्मरण से अब मुझे क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार करते हुए भी वे वर्धमानपुरी की ओर ही चलते रहे। अहो इस समय भावदेव मुनि तो संध्या के उस सूर्य की लालिमा के समान हैं जो रात्रि होने के पहले पश्चिम दिशा को जा रहा है। नगर में आकर उन्होंने एक सुंदर एवं ऊंचे जिन मंदिर को देखा। वह मंदिर ऊंची ऊंची ध्वजाओं एवं तोरणों से सुशोभित था। मणि रत्नों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। वहां अनेक नगरवासी दर्शन कर प्रदक्षिणा देकर भाव भक्ति से प्रभु की पूजन करते थे। कोई मधुर स्वर में गान कर रहे थे, कोई शांत भाव से प्रभु का गुणस्तवन कर रहे थे, कोई आत्म शांति हेतु चिंतवन मनन में मग्न थे तथा कोई ध्यानस्थ बैठे हुए थे। भावदेव मुनि भी जिनेन्द्र देव का दर्शन कर अपने योग्य स्थान में बैठ गए। उधर आरिका नागवसु भी आहार चर्या को निकलने के पहले जब जिन मंदिर में जिनेन्द्र देव के दर्शन करने को गईं तो ज्ञात हुआ कि कोई मुनिराज यहाँ पधारे हुए हैं। मुनिराज को चर्या हेतु निकल जाने के बाद वह स्वयं भी चर्या को निकली। आहार चर्या करने के बाद मुनिराज पुनः जिन मंदिर में पधारे। मुनिराज के दर्शन की भावना लिए आरिका जी अपनी गणनी माता जी के साथ संघ सहित पुनः मंदिर जी में पधारी, परंतु उनके समीप पहुंचने से पूर्व ही उन्होंने मुनिराज को एक गृहस्थ से नागवसु के बारे में बात करते हुए सुना। फिर भी आरिका संघ ने मुनिराज को नमस्कार करते हुए रत्नत्रय की कुशलता पूछी। मुनिराज ने भी आरिका व्रतों की कुशलता पूछी। गणनी माता जी ने उनके भय युक्त मन तथा कांपते हुए शरीर को देखा तो वे विचारने लगी, अरे रे ये मुनिवर मुनिपद धारण करके भी कैसी मति विमोहित हो मोहांध हो रहे हैं, इसलिए धर्म से विचलित होने वालों को धर्मामृत पान द्वारा पुनः स्थितिकरण कराना हमारा कर्तव्य है। पश्चात विशेष ज्ञान संपन्न नागवसु आरिका जी ने गणनी माता जी की आज्ञानुसार भावदेव मुनि को संबोधित करते हुए कहा, हे मुनिवर कषाय कलिरंजितम् त्यजतु चित्त मुच्चैर भवान् भव भ्रमण कारणम् स्मर शरण निदग्धम् मुहु स्वभावनीयतम् सुखे विधिवशादनासादितम् भजत्व मलिनम् यते प्रबल संस्कृतेर भीतितः। हे यति, जो चित्त भव भ्रमण का कारण है और बार बार काम बाण की अग्नि से दग्ध है, ऐसे कषाय क्लेश से रंगे हुए चित्त को आप शीघ्र छोड़ दो, और जो विधिवशात अप्राप्त है ऐसे निर्मल स्वभाव नियत सुख को आप प्रबल संसार की भीति से डर कर भजो। तपस्या लोकेस्मिन् निखिल सुधियां प्राण दयिता नमस्या सा योग्या शत मख शतस्यापि सततम् परिप्राप्यैताम् यः स्मरति मिर संसार जनितम् सुखम् रेमे कश्चित् वत कलहतो सौजड़मति। इस लोक में तपश्चर्या समस्त शुद्धियों को प्राण प्यारी है। वह योग्य तपश्चर्या इंद्रों को भी सतत वंदनीय है।
उसे प्राप्त करके जो कोई जीव कामांधकार युक्त संसार जनित सुख में रमता है वह जड़मती अरे रे कली से घायल हुआ है। आत्म ध्याना दपर मखिलम घोर संसार मूलम ध्यान ध्येय प्रमुख सुतपः कल्पना मात्र रम्यम बुद्ध्वा धीमान सहज परमानंद पीयूष पूरे निर्मज्जन्तम् सहज परमात्मानमेकम् प्रपेदे। हे बुद्धिमान आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला शुभ तप भी कल्पना मात्र रम्य है। ऐसा जानकर श्रीमान सहज परमानंद रूपी पीयूष के पूर में डूबते हुए ऐसे एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। शल्यत्रयम् परित्यज्य निःशल्ये परमात्मनि स्थित्वा विद्वान् सदा शुद्ध मात्मानं भावयेत् स्फुटम्। हे श्रमण तीन शल्यों का परित्याग करके निःशल्य परमात्मा में स्थित रहकर विद्वान को सदा शुद्ध आत्मा को स्फुट रूप प्रकट रूप से भाना चाहिए। हे महाराज आप पूज्य हो धीर हो वीर हो निर्ग्रंथ हो वीतरागी हो महान बुद्धिमान हो धन्य हो जो तीन लोक में महादुर्लभ ऐसा चारित्र धर्म आपने अंगीकार किया है। ये महाव्रत स्वयं महान है इसे महापुरुष ही धारण करते हैं और इनका फल भी महान है। इंद्रों से भी पूज्य और मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान परम पवित्र साधु पद में आप तिष्ठ रहे हो। यह साम्य धर्म मोह रहित आत्मा का अत्यंत निर्विकारी चैतन्य परिणाम है। यही चारित्र एवं धर्म है और यही सर्व अनुपम गुणों एवं लोकोत्तर सुखों का निदान है। हे महाप्रज्ञ आप वास्तव में अति महान हो क्योंकि आपने देवों को भी दुर्लभ ऐसे विपुल भोगों को पाकर भी तत्काल उनसे विरक्त हो योग धारण कर लिया है। दिखते हैं जो राग भोग रंग रंगीले ऊपर मीठे अंदर हैं जहरीले पुनी पुनी भोगों में जलना क्या बिन ज्ञान जिया तो जीना क्या। हे मुनिराज ये भोग हलाहल विष समान तत्क्षण प्राणों को हरने वाले हैं और भविष्य में भी अनंत दुखों के दाता हैं। अनंत भवों में ये महाहिंसाकारक भोग क्या अनंतों बार नहीं भोगे। जो आज उन्हीं की पुनः इच्छा करते हो जरा विचारो आप तो बारह प्रकार के अव्रत के पूर्ण त्यागी हो अहिंसा महाव्रत और ब्रह्मचरी महाव्रत के धारी हो। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अमृत को छोड़कर विष की इच्छा करेगा। स्वर्ण को त्याग कर पत्थर को ग्रहण करेगा। ऐसा कौन अधम होगा जो स्वर्ग व मोक्ष को छोड़कर नरक जाएगा। तथा ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा को छोड़कर इंद्रियों के भोगों की कामना करेगा। इत्यादि अनेक तरह के बोधप्रद वचनों से आयिका जी ने उन्हें संबोधित किया। तत्पश्चात नाग वसु के संबंध में गणनी आयिका माता जी ने भवदेव मुनिराज की शल्य का निवारण करते हुए कहा कि वे तो आपके दीक्षा के समाचार सुनते ही आयिका की दीक्षा लेकर चली गई थी और आपको स्थितिकरण में कारणभूत भी वे ही हैं। आयिका के व्रतों में ये मेरु समान अचल हैं। हे मुने यह बड़े खेद की बात है कि आपने बारंबार अपनी पत्नी का स्मरण करके शल्य सहित इतना काल वृथा ही गमाया। धिक्कार है ऐसी विषयाभिलाषा को। धिक्कार है धिक्कार है।
हे मुने, वास्तव में इस स्त्री शरीर रूपी कुटी में कोई भी पदार्थ सुंदर नहीं है, इसलिए अपने मन को शीघ्र ही संसार देह भोगों से पूर्ण विरक्त करके निःशल होकर स्वरूप में विश्रांति रूप निर्विकार चैतन्य का प्रतपन रूपी तप का साधन करो, जिससे स्वर्ग व मोक्ष सुख प्राप्त होते हैं। अनेक दुखदायी सुखाभासों को देने वाले इन विषय भोगों में इस जन्म को व्यर्थ क्यों खोना? क्या कभी अग्नि ईंधन से तृप्त हुई है? इस जीव ने अनंत भवों में अनंत बार स्त्री आदि के अपार भोगों को भोगा है और कई बार जूठन के समान छोड़ा है। हे वीर, भोगों में अनुराग करने से आपको क्या मिलेगा? केवल दुख ही दुख मिलेगा। धर्म रत्न श्री आरिका जी के धर्म रस पूर्ण वचनों को सुनकर भवदेव मुनि महाराज का मन स्त्री आदि के भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गया। वे मन ही मन अति लज्जित हो अपने को धिक्कारने लगे। मुनिराज प्रतिबुद्ध होकर आरिका जी की बारंबार प्रशंसा करने लगे। मैं भवदेव, आपके वचनों के श्रवण से अग्निपाक संयोग स्वर्ण के समान निर्मल हो गया हूँ। हे आर्ये, आप धन्य हो, मुझ जैसे अधम के उद्धार में आप नौका समान हो। आपने मुझे मोह से भरे अगाध जल राशि में से एवं सैकड़ों आवर्तों व भ्रमरों में डूबते हुए संसार सागर से बचा लिया है। आपका अनंत उपकार है। इतना कहकर मुनि भवदेव जी उठकर वन की ओर विहार कर गए। भवदेव मुनिराज जंगल की ओर चलते चलते विचार मग्न हो मन ही मन गुनगुनाते जा रहे हैं कि अब हम सहज भये न रुलेंगे। बहुविधि रास रचाए अबलों, अब नहीं वेश धरेंगे, अब हम सहज भये न रुलेंगे। मोह महा दुख कारण जानो, इनको नालेश रखेंगे। भोगादिक विषयन विष जाने, इनको वमन करेंगे। जग जो कहो सो कह लो भैया, चिंता नाहीं करेंगे। मुनि पद धार रहे वन माही, काहू से नाहीं डरेंगे। अब हम आप सो आप में बस के, जग सो मौन रहेंगे। हम गुप चुप अब निज में निज लख, और कछु न चाहेंगे। निज आत्म में मगन सु होकर अष्ट कर्म को दहेंगे। निज प्रभुता ही लखते लखते शाश्वत प्रभुता लहेंगे। अपनी सहजता निरखी निरखी निज, दृग काहे न उमगेंगे। ये जग छूटे कर्म भी टूटे, सिद्ध शिला पे रहेंगे। अब हम सहज भये न रुलेंगे। जैसे चिरकाल से समुद्र के आवर्त में फंसा हुआ जहाज आवर्त से छूटकर अपने स्थान को पहुंचता है, उसी प्रकार शल्य रहित होकर मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक गमन करते हुए अपने गुरुवर के निकट पहुंचे। गुरुवर को नमस्कार करके भवदेव मुनि ने गुरुवर के समक्ष अपना संपूर्ण वृत्तांत, जो कुछ भी बीता था, सब कुछ निश्चल भाव से कह दिया तथा अंत में कहा, हे गुरुवर, मुझे शुद्ध कर अपने चरणों की शरण दीजिए। पूज्य गुरुवर ने भवदेव द्वारा निश्चल भाव से कहे गए दोषों को जानकर उसके दंड स्वरूप भवदेव की दीक्षा छेद कर पुनः दीक्षा देकर संयम धारण कराया। दोषों का प्रायश्चित भवदेव मुनिराज ने सहर्ष स्वीकार किया। वे संघस्थ सभी साधुओं को नमस्कार करके निःशल्य हो
शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अंगीकार करके कर्मों को जीतने वाले भावलिंगी संत हो विचरने लगे और विचारने लगे। भव भोग परांगमुख हे यते पदमिदं भव हेतु विनाशनम भज निजात्म निमग्न मते पुनस् तव किमध्रुव वस्तुनि चिंतया। निजात्मा में दीन बुद्धि वाले तथा भव और भोग से परांगमुख हुए हे यति तुम भव हेतु का विनाश करने वाले ऐसे इस ध्रुव पद को भजो। अध्रुव वस्तु की चिंता से तुम्हें क्या प्रयोजन है। समय सार मना कुल मच्युतम जनन मृत्यु रुजादि विवर्जितम सहज निर्मल शर्म सुधामयम समरसेन सदा परि पूजे। जो अनाकुल है, अच्युत है, जन्म मृत्यु रोग आदि रहित है, सहज निर्मल सुखामृतमय है, उस समय सार को मैं समरस अर्थात समता भाव द्वारा सदा पूजता हूँ। अब भावदेव मुनिराज निरंतर अपने समयसार स्वरूप को अर्थात निजात्मा को भजने लगे। ज्ञान ध्यान एवं उग्र उग्र तपों में संलग्न हो अपने बड़े गुरुजनों के समान तप करने लगे। शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन अवरु ज्ञान ही ठहर पर द्रव्य इच्छा परिहरे जो सर्व संग विमुक्त ध्यावे आत्म से आत्मा ही को नहीं कर्म अरु नो कर्म चेतक चेतना एकत्व को। वह आत्म ध्याता ज्ञान दर्शन मैं अनन्य मई हुआ बस अल्प काल जो कर्म से परिमोक्ष पावे आत्म का। निज स्वरूपस्थ श्री भवदेव मुनिराज को अब एकमात्र मोक्ष की ही भावना शेष रह गई है और सभी प्रकार की इच्छाएं विलय को प्राप्त हो गई हैं। वे अब क्षुधा तृषा शीतोष्ण शत्रु मित्र स्वर्ण पाषाण हानि लाभ निंदा प्रशंसा आदि सभी में समभाव के धारी हो गए। निज स्वरूप की आराधना करते करते अब जीवन के कुछ ही क्षण शेष रहे थे कि महान कुशल बुद्धि के धारक भावदेव और भावदेव दोनों तपोधनों ने उसे शेष समय में आत्म तल्लीन तारूप परम समाधि मरण को स्वीकार कर प्रतिमा योग धारण कर विपुलाचल पर्वत पर पंडित मरण द्वारा इस नश्वर काया का त्याग कर सानत कुमार नामक तीसरे स्वर्ग में सात सागर की आयु वाली देव पर्याय को प्राप्त किया। अहो ऐसी आत्माराधना पूर्वक पंडित मरण करने वाले युगल तपोधनों की जय हो जय हो जय हो।